नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का बहुत स्वागत है। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे, 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर जिले की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ले रहे हैं। दरअसल प्रभारी मंत्री के रूप में ये उनकी पहली बैठक है और इंदौर के विकास कार्यों पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली जा रही है। मंत्री तुलसीराम सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। दरअसल पश्चिमी बाईपास अहिल्या पथ पर ये चर्चा हो रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर मास्टर प्लान पर भी चर्चा यहां की जानी है, जिसमें मेट्रो रूट, सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर जिले के विकास संबंधी ये समीक्षा बैठक, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रभारी मंत्री के रूप में ये पहली बैठक है और इंदौर के विकास कार्यों पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जा रही है। मंत्री तुलसीराम सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय सरीखे सीनियर नेता, सीनियर मंत्री यहां पर मौजूद हैं और पश्चिमी बाईपास अहिल्या पथ पर यहां इस संबंध में चर्चा की जा रही है। दरअसल एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान, मेट्रो रूट, सड़क निर्माण प्रोजेक्ट जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। ये विकास के वो पहिए हैं जिन्हें लगने के बाद विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा और ये कुछ तस्वीरें इस बैठक से आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कैबिनेट के कुछ अन्य सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी यहां पर बुलाया गया है। इंदौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बैठक के बाद क्या विकास के संबंध में निर्णय लिया गया, इंदौर में आने वाले समय में हम और क्या कुछ नया देखने वाले हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल धरातल पर कब तक मिल जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब संभव है कि इस बैठक के बाद स्पष्ट रूप से सामने आए। और बैठक के अंदर प्रभारी तौर पर यहाँ पहली बार बैठक में प्रभारी मंत्री भी शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों की ये बैठक खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेने के लिए पहुंचे हुए। इंदौर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बैठक से ठीक पहले ली गई तस्वीर है और हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, ये इंदौर जिले के विकास का विषय है, यहाँ कई गंभीर विषयों पर चर्चा होनी है, कई विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा होनी है, कब तक लगभग ये बैठक चलेगी और कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ है डिटेल्स इसके बारे में? देखिए, ये बैठक जो है करीब 2 घंटे तक चलेगी और विकास कार्यों की ये पूरी समीक्षा बैठक है और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के इंदौर के जो आर्थिक राजधानी इसके वो प्रभारी मंत्री भी है, तो आज आर्थिक राजधानी वो मौजूद हैं और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इसी हॉल के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तमाम यहां जितने भी विधायक हैं, 9 विधानसभा के विधायक भी यहां पे मौजूद हैं और सभी अधिकारी यहां पे कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, तो यहां तमाम अधिकारी इस वक्त यहां पे मौजूद हैं और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही है। अब देखिए, आज से किन किन बड़े प्रोजेक्ट पे बात होने वाली है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अहिल्या पथ। अहिल्या पथ को लेकर बहुत लंबे समय से बात चल रही थी और अब अहिल्या पथ जो है वो ग्राउंड पर आ चुकी है, यानी जो अहिल्या पथ का जो पूरा रूट बनेगा उससे इंदौर और उज्जैन की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और यहाँ से जुड़े हुए गाँवों को एक नया विकास भी मिलेगा। अहिल्या पथ की बात होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के को लेकर जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही उस पर बात होने वाली है और सबसे खास बात है कि दिसंबर से मेट्रो इंदौर में दौड़ने लगेगी, यानी मेट्रो से इंदौर में मेट्रो चलने की संभावनाएं बताई जा रही है, उसको भी लेकर चर्चा होने वाली है और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जरूरी प्रोजेक्ट हैं जिसमें मुख्यमंत्री आज खुद चर्चा करने वाले हैं, सभी कार्यों की समीक्षा करने वाले, कौन से कार्य कहां तक पहुंचा, लेकिन जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो स्मार्ट सिटी को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए बस स्टैंड बनने हैं, करीब 9 से ज्यादा ओवरब्रिज बनने हैं, ऐसे कई सारे जो कार्य हैं उसको लेकर यहां पर समीक्षा बैठक होने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है जहां से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है वो इंदौर है और आज इंदौर में मुख्यमंत्री बड़ी बैठक ले रहे हैं, विकास कार्यों की ये पूरी समीक्षा बैठक है और इंदौर और उज्जैन के बीच में सिंहस्थ के पहले जो मेट्रो ट्रेन चलाना है उसकी कार्य गति कैसी होगी, उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, DPR रिपोर्ट बन चुकी है, वो सर्वे कहाँ तक पहुँचा है और कब से इस पर कार्य शुरू हो सकता है, तो ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और उनके साथ में मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री और इंदौर के सभी विधायक भी मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बढ़ते हैं।